विरोध केवल और केवल राजनीतिक है और एक ऐसे एजेंडे के साथ है जो मुफ्त की दुर्भावना उत्पन्न कर रहा है। सबको मालूम है कि जो भी हमारे पड़ोस के 3 देश हैं उनमें जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको कितनी तकलीफ पहुंचाई गई है, उनको भारत की नागरिकता मिले इसके लिए एक सीधा साफ सुथरा सा बिल है। लेकिन जिन्होंने साफ सुथरी बातों को नहीं समझना और जिनको इससे तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को पॉलिटिकल तकलीफ हो रही है कि हम जल्दी से जल्दी सत्ता में कैसे आएं, और इस नाते से वो पॉलिटिकल पार्टियां खास करके डेस्परेट हैं, वामपंथी और कांग्रेस साफ 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 दिखाई दे रहा है कुछ लोग हैं, और कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि उनका एक मन में उनके मन में एक डिजाइन चला हुआ था कि 20-30 साल बाद भारत में घुसपैठ और अधिक हमारी जो जन्म दर की प्रत्याशा है उसके माध्यम से भारत एक ऐसा देश हो जाएगा जो देश भी जो बाकी उसकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी जिस पर अपना प्रभुत्व कायम करने का डिजाइन लेकर चले हुए थे। वो डिजाइन टूट रहा है और वो डिजाइन टूटने की तकलीफ उनके मन में है। यह अति आवश्यक है, मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा कानून लाया गया है और ऐसे प्रबंध दुनिया के सब देश अपने ऐसे नागरिकों के लिए करते हैं कि उनको अपने स्थानों पर उन स्थानों पर आने का अवसर मिले, मतलब जो है बहुत अच्छी व्यवस्था इसके माध्यम से की गई है। राम कुमार गौतम जी ने अपने दल से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और उनके दल की वो आंतरिक बात है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है।